हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हम अपनी स्केचिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं बेसिक शेप से, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि सर्कुलर फॉर्म में, तो ये जो बैलेंस है हमारा वो, और जो शेडिंग का जो बैलेंस है वो, दोनों का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो अभी तक जितने भी सर्कुलर से रिलेटेड चीज़ें होंगी हम उसको ईजिली कर सकते हैं। तो अभी जो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगल शेप में होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, तो आज मैं ये बताऊंगा। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ उसको बड़ा करता जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपका एक बार में परफेक्ट ना बने, जैसे कि मैंने भी कई सारा प्रैक्टिस किया, तो आप इसका मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो शेडिंग है, तो सबसे पहले जो बेस होगा वहाँ पर स्मॉल होगा, आप देख रहे हो, और ये जो गैप है जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको ये बड़ा करना है। तो अब जब इसकी शेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप, जैसे मैंने बताया था कि दो पेंसिल से हम लोगों ने किया था, एक जो प्रोसेस था जिसमें सिंगल पेंसिल और दूसरा जो था मल्टीपल जितने भी ग्रेड्स हैं उससे किया था। तो आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे सिंगल पेंसिल से, 8B से करेंगे। सबसे पहले इसके जो एजेस हैं उसको करेक्ट करेंगे। अभी तो हम लोगों ने जो किया है वो स्केचिंग के बैलेंस के लिए किया है, अब जो स्टार्ट हो रहा है वो है शेडिंग के बैलेंस के लिए, कि जैसे जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वो लाइट होता जाएगा, डार्क टू लाइट। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल डार्क किया है, और इसका भी हेल्प आपको स्टिल लाइफ में होने वाला है और मेमोरी ड्राइंग में होने वाला है। और जब भी मैंने आपको बताया था कि 1.2.3 उसमें भी बहुत हेल्प होने वाला है। तो इसका जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, डार्क टू लाइट जाना है, और साथ ही आपको जो एजेस हैं यहाँ पे, जो किनारे हैं उसको लाइट की तरफ लेके जाना है, क्योंकि स्केचिंग में जब तक आप लाइट नहीं डालोगे, लाइट पे नहीं प्ले करोगे, तो वो रियल लुक नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि लाइट डायरेक्शन, लाइट सोर्स, इन सब चीज़ों का ध्यान देना हमेशा। तो सबसे पहले इसको एजेस को पहले शार्प करके फिर नीचे से इसको ब्राइट की तरफ, और साथ में हमें ये भी मेंटेन करना है कि नीचे से जो आ रहा है वो बिल्कुल भी लाइट टू डार्क होना चाहिए। जैसे जैसे ये डार्क है वैसे वैसे ऊपर की तरफ लाइट हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर फॉर्म में आप कर सकते हो, इसे एक इवेंट टोन रहता है।
तो ये रहा, तो इसको हम आप डेवलप कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने सर्कुलर फॉर्म में बताया था कि स्टेयरकेस बना सकते हैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करेंगे। यहाँ पे पहले जितने भी आपको स्टेप्स बनाने हैं आप उसको बना लें और शेडिंग हम उसके बाद करेंगे। तो ये हम लोगों ने लाइंस कंप्लीट किया। तो इसको करने के पहले आप इसके पॉइंट को बिल्कुल ही शार्प करेंगे और यहाँ से फिर आप जो लाइन देख रहे हो, जैसे मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको कि ये जो ऊपर का जो है, यहाँ से हमें एक ऐसा लाइन देके फिर इसको डार्क टू लाइट की तरफ लेके जाना है, तो जिससे ये लगे कि ये स्टेप्स हैं। ये यहाँ से एक दूसरा लाइन लेके इसमें एक और लाइन देंगे, जो उसकी हाइट होती है वो उसमें जाएगी। फिर ये जो बेस है, बेस से फिर आपको ऐसे शेडिंग करनी है। तो ये आपको एक फॉर्म में दिख रहा होगा कि ये स्टेप्स जैसे, ये लाइन जो हम लोगों ने बेस लाइन दिया था, फिर एक और लाइन जो उसकी हाइट होती है उसको हल्का सा शेड करेंगे, फिर यहाँ से डार्क से फिर आप लाइट की तरफ लेके आए। यहाँ पे आते आते बिल्कुल इस पर शेड नहीं होना चाहिए, और इनफैक्ट हम इसको यहाँ पे रबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने रबर यूज़ किया है वो है मोनो इरेजर। तो अभी आपको एक स्टेप्स के रूप में ही ये दिख रहा होगा। तो ये हम लोगों ने एक इल्यूजन क्रिएट किया, इसको आप इसमें डिटेल कर सकते हो और भी। ये जो हम लोगों ने प्रोसेस किया, ये जो टेक्निक से हम लोगों ने स्केचिंग और शेडिंग की है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने वही मेथड से मैंने ये वाला स्केचिंग किया हुआ, आपने देखा होगा ज़रूर। अगर आपने नहीं देखा तो इसका ट्यूटोरियल मैं डाल देता हूँ, और इसका एक फास्ट क्लिप भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, जिससे आपको इजी होगा चीज़ों को समझने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।